हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से अच्छी हूँ और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैं शाम को कर रही हूँ। मैं टाइमिंग आपको बता देती हूँ, 5:43 हो चुके हैं और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत 5:43 से कर रही हूँ। आज ब्लॉग में आपको मैं कुछ अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ जो पहाड़ों में ज़्यादा फेमस है। तो वो क्या है, आज मैं आपको सिड्डू दिखाऊंगी। आज हमारे घर पे सिड्डू बन रहे हैं, लेकिन सिड्डू आपने वो वाले देखे होंगे, सिड्डू जो नॉर्मल सिड्डू होते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं आज पतले सिड्डू। और पीछे से मुझे लग रहा है कि अंकल जी आ गए। हाँ, तो अंकल जी भी आ गए नीचे से घूम के। यहाँ देखो अंकल को, अंकल बट दिख नहीं रही ये। तो आज हम पतले सिड्डू बना रहे हैं, वो आपको हम दिखाएंगे कि पतले सिड्डू कैसे बनते हैं। आपने नॉर्मली सिड्डू देखे होंगे और सिड्डू के बारे में सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने खाए भी होंगे। तो आज हमारे घर पे भी बन रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। व्लॉग को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, तभी आपको पता लगेगा। तो भाभी ने ना सारी तैयारियाँ कर दी है, तो हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको पतले सिड्डू। यहाँ देखो, पतले सिड्डू के लिए ना आटा तो तैयार है हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल। ये दिन को ही कर दिया था भाभी ने और अब यहाँ कर रहे हैं। ये देखो पतले सिड्डू की तैयारियाँ हो चुकी है यहाँ पे शुरू। और ये देखो आटा भी यहाँ पे बना है देखो तो जरा, ये देखो चल भाई चल पड़े सारे। यहाँ देख रहे हो पतले सिड्डू के साथ, ये देखो ये माइशा को देखो आप गाइस। यहाँ देखो इसकी मस्ती तो एट अ टाइम चली रहती है, इसका तो कुछ नहीं कह सकते हम। ये देखो ये यहाँ पे आप भी ट्राई कर सकते हो घर पे। और आटा ये आटा किस तरह से ऐसा बनाया है ये एक्सप्लेन भाभी करेंगे बाद में, पहले इसको। ये देखो यहाँ पे, ये दिखाई थी मैंने माशा, ये क्या है ओ, ये देख रहे हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गए शुरू पत्ते सिड्डू बनना। पे स्टिम्बर लाओ आंचू, स्टिम्बर भी लाना। ये देखो छेद वाला लाइयो, ये देख रहे हो आप इसको। यहाँ देखो आप महिषा, इसकी दादी भी आ गए यहाँ पे, सब बैठे हैं, नानू नानी महिषा के दादी माँ। ये देखो अब ना लाइट आ गई है, तो अब आपको प्रॉपर दिखेगा। अभी इससे पहले भी दिख रहा था, लेकिन ये आटा इसमें कौन सा आटा बोलो, सुपर फाइन। अब जोर से बोलते तो सुपर फाइन, ये सुपर फाइन आटा का यूज किया है इसमें, मतलब पतले सिड्डू बनाने के लिए। जो पतले सिड्डू होते हैं वो सुपर फाइन आटे से ही बनते हैं। और आपने ना जो सिड्डू देखे होंगे, दूसरे सिड्डू देखे होंगे, अगर मोस्टली खाए भी होंगे, अगर आप लोगों ने ऐसे पतले सिड्डू खाए हैं तो प्लीज आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप कौन सा आटा यूज करते हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मोस्टली सुपर फाइन आटा यूज होता है। मेरी बुआ ने सिखाया मुझे बनाना, मेरी बुआ बनाती है हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे, बहुत टेस्टी बनाते हैं, उनके हाथ से कोई नहीं बना सकता। हाँ, मेरी बुआ को पूरा श्रेय जाता है ना बाबा, हमारी बुआ की आइटम है। चलो भाई काय कराली एक रस्सी लगा तो किसी से। तो ये देखो इस तरह से, देखो कितने सुंदर बन गए। इसको नीचे रखो, मेरे को चाहिए ये। ये देखो वाह, ये जो पड़ी मुझे दे दो, दे दो, हम तो कर दो तो भी लो गिलास दो पड़ ले। ये देखो पापा भी थोड़ी देर में रिमोट शिफ्ट करना चाह रहे हैं। दादू बचाओ, आपने तो बोला भांग मेरे को। पापा ना मेरा फोन तो नया भी लाएंगे, आप पता है तब देंगे ना क्या। आशा है, आशा हो तो क्या होता है। ए भगवान मेरी बेटी को दीजिए मान। ये देखो हम यार दीदी, ये देखो पापा, देखो दादू और पोती की एक्टिंग देख रहे हो दोस्तों। ये देखो सबसे देखो दो तवे लगा दिए हमने, मैं भी बनाई देती हूँ थोड़ा, नाम के लिए बनाऊंगी नहीं, पर ऐसे ही चलो आप बनाएंगे चाहे टेंडे बनाएंगे। अभी टेंडे तो मेरे टेंडे ही कौन से मेरे गोल है, उस दिन भी बनाया ना मैंने, कहीं बस छेड़ो मत अब छो मत। ये इन्होंने बनाया है शॉर्ट,
फोन इन्थे ना तवे को कहां पर कर ले जा नहीं ए मैं जाती अंदर जा मत जा अंदर जा मैं जाती अंदर इतने मतलब इतनी कर कुछ हो मत अच्छा ले ले सिटी स्टूडियो के लिए इधर से बाप रे किधर से ए फिर दूसरों बनाने का ये फायदा है कि जल्दी बन जाते हैं और काम जल्दी हो जाते हैं अगर दोनों गैस पे दोनों तवे लग जाए ये पतले सीडू बन रहे हैं बोलो पतले सीडू बन रहे हैं पतले सीडू अब तो थोड़े सी रह गए देखो आटा भी थोड़ा सा ही रह गया है क्योंकि जल्दी जल्दी बन गए थे ना दोनों गैस पे लगाए पे तो जल्दी बन गए तो गाइस ये देख सकते हैं फाइनली हमारे सिड्डू बन पतले सिड्डू बन गए अब इनको स्टीम स्टीम करने के लिए लगाएंगे स्टीमर में बाकी तो अब यहाँ देखो सब्जी के लिए आज बन रही है ठीक है अच्छा ये देखो यहाँ पे और आलू यहाँ पे मसाला तड़का दाल बनी है तो आज का डिनर हमारा ये था तो होप सो गाइस आपको ये पतले सीडू अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे लगे या आपने खाए हैं या आप किस तरह से बनाते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये देखो ऐसी गर्मी में सीडू बनाना वो भी पतले सीडू बनाना ओहो टास्क ये है एक देखो मतलब शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है हमारे साइड को इस साइड को और मतलब 6:30 बजे तक होती है 6:30-7:15 कई बार 7 बजे तक होती है आजकल लेट हो रही है तो इस वजह से देखो लाल बन गई हूँ बिल्कुल लाल यहाँ देखो अब इसमें ना इसमें डालेंगे अब इसको सब्जी भी पक रही है और सीडू भी बन गए पतले सीडू दिखाएंगे मैं आपको इसमें डालते हुए अभी बोल देती हूँ हाँ वाह थोड़ी जैसी बनाई सब्जी क्योंकि घर की सब्जी है ना अपनी दोनों सब्जी हमारी है ये गोभी भी हमारी है और आलू भी हमारे खेत के गोभी भी हमारे खेत के है तो अगर तो राजमा की दाल भी हमारी अपनी है हमने सब कुछ आज अपने घर से बनाया है और अगर सिड्डू बनाने होंगे तो इसके सिर्फ सुपर फाइन आटा लगता है दूसरे आटे के बाद ऐसे कुछ नहीं है बट जो टेस्ट इसमें होगा ना मेरी बुआ देखिए इस ब्लॉग को तो प्लीज कृपा करके देखें जो मेरी बुआ है कोटखाई में उनकी शादी हुई वो बहुत बनाते हैं इनको और जब भी उनके घर कोई स्पेशल गेस्ट जाता है उनके लिए यही बनते हैं तो फाइनली हमारा खाना बन गया है घर पे ना वैसे भी एक दूसरे की हेल्प करा देनी चाहिए ताकि सब चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती है फिर अगर सब मिलके काम करेंगे घर का तो सारा हो जाता नहीं तो एक ही पे बर्डन आ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मायशा और मायशा के नानू नानी देख रहे थे भैया की शादी की कैसेट ये देखो यहाँ पे तो ये लोग मज़े से देख रहे थे कैसेट यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा तो मायशा इनके साथ मस्त होके देख रही थी ये देखो मैं इनसे इससे पूछ रही थी मायशा क्या देख रही हो तो मायशा बोल रही थी माँ की शादी की कैसेट देख रही हूँ तो ये देखो यहाँ मस्त होके देख रहे थे तो ये देखो इसको अब इसमें डालना शुरू कर दिया है ताकि ये अच्छे से पक जाए और उसके बाद ये देखो अब इसमें इस तरह से ढाटू लगा के ये ढाटू क्यों लगाया इसमें
ताकि जो स्टीम का पानी आता है ना वो इनमें ना जाए। तो ये देखो गाइस कुछ इस तरह से हम हमारे इधर पतले सिड्डू का ये देखो थोड़ा ऐसे भी इस तरह से कुछ इधर सब्जी भी बन गई। ये देखो ये हमारी कोई बर्तन धो रहा ये देखो ये बर्तन बहुत अच्छे से धोती है ये जिसके घर में भी जाएगी बाकी को पता है ये बर्तन बहुत चमकाएगी। तो गाइस आज ना हम बहुत जल्दी फ्री हो गए क्योंकि आज हमने सबने मिलकर काम किया कुछ ना कुछ किसी ने कुछ किया भाभी ने सब्जी बनाई हमने सिड्डू बनाए और अंचल अभी बर्तन धो रही है तो भाभी अब बस थोड़ा बहुत साफ कर रहे थे अब कुछ नहीं है अब शाम का डिनर हमारा बिल्कुल से तैयार है। तो अगर मुझे ऐसा ही लगता है घर पर ना सबको मिल मिला के काम कर लेना चाहिए ताकि जल्दी से हो जाए नहीं तो ऐसा होता है गेस्ट आए होते हैं एक पे ही बर्डन होता है पड़ा हुआ। तो आज ऐसे भी घर पर पिछले कल के घर पर भाभी के मम्मी पापा भी आए थे तो अगर घर पर सब मिला के काम करेंगे तो किसी एक भी बर्डन नहीं पड़ता है। तो होप सो गाइज आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आप डेली बेसिस पे ऐसे ही नए नए व्लॉग्स देखते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए बाय बाय गाइज टेक केयर।